पे सारी ऑफिसेज हैं, एम्बेसीज हैं। ये है लीबिया, पाकिस्तान की वो पल्ली साइड में है। ये बाकी सारे इसी तरह ही, किसी का ये हम आए ना अभी, तो ये सारे क्योंकि मार्केट है ये सारी, बर्दुबई और डेरा नाइफ वगैरह, तो इधर नीचे टोटल शॉप्स हैं और ऊपर फ्लैट्स हैं। तो ये आप देखें कि पूरा बंद पड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आज लॉकडाउन है, आज जुमे का दिन है और आज छुट्टी है। ये सारा बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे आज। इस रास्ते से इसलिए लाया हूँ कि जरा अंदरून दुबई आ गया ना, उतने बारो बार तक है हमने और राउंड बोर्ड से लेफ्ट करते तो इधर ही आना था बारो बार। वो क्रिकेट हो रही है सामने, बिल्कुल ही अजीब ही। और खास तौर पे जब मैं वैस को देखता हूँ कि वो मास्क पहन के जा रहा है भाई, वो सारे तो मरीज बना दिए भाई साहब, कोरोना के तो सब मरीज है। चलो शुरताल दुबई को भी मरीज आए, ये बड़ा मजा आता है इसमें बैठने का। ये सारा जो है ना वो इस टाइम फुल लॉकडाउन हुआ पड़ा। हाँ ये यूएई सेंट्रल बैंक है। हाँ ये बड़ा मजे का इलाका है, हम भी इधर पैदल फिरते रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिस है, आगे जाते जाओ इधर ही आगे जो पार्किंग आएगी ना उधर कहीं लगा देना, थोड़ा हम पैदल चल के जाएंगे ना तो अच्छा है। इधर ही बल्कि राइट साइड में करो, इधर ला दे राइट साइड पे। गाड़ी हमने थोड़ी दूरी रोक दी है ताकि जरा आज हम दुबई की सैर कर सकें। तो ये पुराने पहले ही लोग यूज करते होते थे ये फोन वगैरह, अब तो कम पाकिस्तानी लोग क्या करते थे कि बीच में सिक्के, पहले ये वो आंदीरन डाल के कॉल होती थी ना, वो पाकिस्तानी आके ना वो पाकिस्तानी 5 रुपए वाला सिक्का जड़ा ना वो सुट देंगे सी। ऑलमोस्ट वो सेम है उसकी तरह है। बस स्टॉप बहुत ज़बरदस्त नज़र है क्योंकि पहले तो खाली था ना, ऐसे ही ओपन बनाया हुआ था, अब प्रॉपर उन्हें लारी अड्डा बना दिया, दुबई का लारी अड्डा है, गोबैबा का लारी अड्डा है बल्कि। इस तरह के तो कई हैं, नहीं नहीं है। यार वो गोल्ड सूक वाला भी तो है, आप वो इस तरह का नहीं है, लेकिन ये ऐसा बड़ा वाला नहीं है, देखो कैसा बनाया है पूरा। जारी बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी इधर भी बहुत बसें आती हैं और उधर भी बहुत बसें आती हैं। यह कि इसको बना रहे हैं, मैं भी उधर भी बनाएंगे गोल्ड सूक वाले को। भला क्यों? क्योंकि उधर अभी पीछे बिल्डिंग बन रही है। नहीं नहीं गोल्ड सूक यार, गोल्ड सूक के पीछे देखा नहीं कितनी वो मल्टी स्ट्रक्चर बन रहा है। हाँ नहीं लोगों का सिटिंग एरिया होगा ना, सिटिंग एरिया फिर बस का एरिया। मैं गया था उधर अबू धाबी, जब अबू धाबी का जो मेन सेंट्रल बस स्टॉप है ना वो तो बहुत ही अजीब सा है। मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ बस पे, जब गया भाईजान छाँव ही नहीं है, गर्मी है, बाहर बसें आती हैं उनका कोई टाइम ही नहीं है, पता ही नहीं लगता। मैं एक दफ़ा तो जॉब इंटरव्यू के लिए गया था तो मैं उधर पहुंचा हूँ, बस का टाइम आ रहा था हालांकि इतने बजे से इतने बजे तक, लेकिन वो मैं पहुंचा हूँ कहते निकल भी गई। दुबई बहुत आगे है, ये नया बस स्टॉप बन रहा है अलगुबैबा बस स्टॉप, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मशीनें लगी पड़ी हैं। यहाँ पे तो बसंत पे मैं एक दफा गया था, तो उसका चक्कर क्या होता है, पैसे कितने को लग जाते हैं? कुछ भी नहीं, थोड़े से पैसे लगते हैं, कुछ 300 दिरहम लग जाते बस, 300-400 दिरहम।
चरखी अच्छा कितने की चरखी मिलती है किधर से आ जाओ देसी मैक्स पे हम आते थे तकरीबन कितने साल हो गए तो देसी मैक्स इज ऑलवेज अ फेवरेट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है छोटा सा ही देखने में लेकिन इनका टेस्ट बड़ा है प्योर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वो चल रही है माशाल्लाह देसी मैक्स ने वैसे आज तक कभी मायूस नहीं था किया और आज भी नहीं करेगा ये कीमा पराठा है इनका कीमा पराठा ही बहुत ज़बरदस्त होता है और इनका जो नान है हाँ जी अली भाई वही टेस्ट है तुम क्या कहते हो कई देसी मैक्स ही है मैंने जितने भी रेस्टोरेंट से खाना खाया आज तक कईयों का टेस्ट चेंज हो गया लेकिन एक चीज़ का टेस्ट कराची दरबार का जिसे मैं बता रहा हूँ वो तो चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने वो अपना स्टैंडर्ड ही इस तरह कर लिया उनका वो होता है उनकी जो एक डिश पसंद है ना मुझे वो है वेज कौरमा तो वेज कौरमा बहुत अच्छा होता है उनका लेकिन ये है कि वो किसी भी ब्रांच से खाओ कासिम तुम जाके तुम्हें कोई डिफरेंस मिलेगा ही नहीं ना आज मिलेगा ना 5 साल बाद मिलेगा भावें वेयर हाउस से जाता है गल है ये कि उन्हें वो जो मसाला सैट कर दिता ना जो उन्हें पैकड लै फिर उत्थे ही तेरी सुई अड़ी अरे उस्ताद उन्हें मसाले के पैकेट बना के दे दते ने कि भी इन्नी सब्जी इन्ना आलू इन्ना प्याज इन्ना टमाटर तो इन्ना मसाला तू अपना दिमाग लड़ाने ही नहीं है कुकें भावें तू जिन्ना मर्जी पुराना ख्याल है कि ये देसी मैक्स है ना इसका भी ये हिसाब है कि ये कुक या तो मालक खुद है ठीक है तभी उसका कभी टेस्ट चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि वो खुद ही बनाता है ओनर जो है देसी मैक्स को ये नुकसान है कि इसकी पार्किंग नहीं है बाहर इसके पास कोई फैमिली हॉल नहीं है नहीं तो इसकी सेल मैं कहता हूँ डबल ट्रिपल हो जाए अभी हम जा रहे हैं शिंदगा टनल से शिंदगा टनल बहुत शोर उतार दी कुछ डिफरेंट लग रहा अच्छा, है ना होटल नहीं ये कोई और है वो अलिजबत जो है ना वो पीछे खड़ा हुआ है कोर्ट राशिद पे 200 रुपए का कमरा दिए थे कहाँ पे अलिजबत ऑफ पे चल रहा था हाँ ऑफ पे चल रहा था अभी नहीं कुछ देर पहले शिंदगा टनल इसके ऊपर समंदर है देसी मैक्स को आज हम दे रहे हैं कितने भला 9 out of 10 देसी मैक्स यू आर सुपर लव यू अभी उन्होंने सिग्नल लगा रही है चला जा लाइन खाली है देख रहे हैं अली भाई नेवर वेट ये नहीं करोला है पाकिस्तान में भी आई है ये पाक लियारी बिरयानी ओए होए सुना तो इसका मैंने भी काफी है खलीज टाइम्स पे इसका आर्टिकल वगैरह आया था ना
और ये किसने कहा था कि टॉप फाइव में है? उन्होंने टॉप नंबर वन दिया था ना जब उससे वोटिंग हुई थी एंड पे। ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे विलाज वगैरह हैं। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं दुबई में घर नहीं होते, छोटे सिंगल स्टोरी नहीं होते या डबल स्टोरी नहीं होते। बुर्जमान सिटी सेंटर पुलिस स्टेशन के पास है भाई। हाँ पुलिस स्टेशन के पास मर्काडो LLC ता नहीं आज मैं पहली दफ़ा आया हूँ। वैसे तो स्टार लहरी की तो खाई हुई है, पाक लहरी की आज पहली बारी खा रहे हैं। UAE की वो नहीं खाई थी, आपको बताओ कौन सी। UAE की नंबर वन बिरयानी है भाई जान, पाक लहरी की बिरयानी है भाई। कासिम ने तो पहले भी खाई हुई थी, अली ने भी, मैं आज पहली बारी खा रहा हूँ।